is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। पाकिस्तान को भारत की तरफ से झटके पर झटके लग रहे हैं, पर पाकिस्तान है कि समझने का नाम ही नहीं ले रहा। जी हाँ, एक बार फिर पाकिस्तान को झटका लगा है और ये झटका लंदन की कोर्ट ने दिया है। आप समझ रहे होंगे कि लंदन में कौन सा झटका लग गया। मामला काफ़ी पुराना है, इतना पुराना कि अब तक करीब 70 सालों से अटका पड़ा था। पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। ये मामले की जड़ आज़ादी के समय से ही पड़ गई थी। आज़ादी के समय हैदराबाद ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उस समय हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी थे। वे असफ जाह वंश के 7वें वंशज थे और उस दौर में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे। 13 सितंबर 1948 की बात है, ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया था। आप सोच रहे होंगे ये नाम तो कोई खेल से संबंधित लगता है, पर इस ऑपरेशन का खेल से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये भारतीय सेना की हैदराबाद में विलय के लिए सैन्य कार्रवाई थी। भारत के इस कदम से पाकिस्तान बहुत छटपटाया। उसने संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय ऑपरेशन पोलो नाम से सैन्य अभियान के जरिए इस रियासत का विलय भारत में कर दिया गया। इस विलय के दौरान निजाम के वित्त मंत्री ने करीब 10 लाख पाउंड उस वक्त पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह के एक बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। बस मामले की जड़ यहीं से पैदा हो गई और यही पैसा बाद में निजाम के उत्तराधिकारियों और भारत पाकिस्तान के बीच कानूनी जंग की वजह बन गया। यह रकम लंदन के बैंक खाते में जमा कराई गई। उस समय इसकी कीमत 8,87,00,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 35 मिलियन पाउंड यानी 3,08,40,00,000 रुपए हो चुकी है और यह अब भी उसी खाते में जमा है। जमा रकम को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकदमा चल रहा था। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ा। वैसे भी अब पाकिस्तान की हालत तो कटोरा लेकर भीख मांगने वाली हो गई है। खैर, अब कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 70 साल पुराने इस केस में पाकिस्तान को झटका देते हुए साफ तौर पर कहा कि इस रकम पर भारत और निजाम के उत्तराधिकारियों का हक है। इस मामले में हैदराबाद के निजाम की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे पॉल हेविट ने भी कहा कि हमें खुशी है कि कोर्ट ने अपने फैसले में 7वें निजाम की संपत्ति के लिए उनके वंशजों के उत्तराधिकार को स्वीकार किया है। खैर, जो भी हो, इससे पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ गई है। बेचारा पाकिस्तान।